हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करने वाले हैं आज दो शेयर से रिलेटेड देखिए हम अगर बात करूं मैं पोजिशनल ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली कुछ वीडियोस बना रहा हूं और आपको बता रहा हूं ये जो शेयर है आपको अच्छे खासे गेन दे सकते हैं तो अगर बात आप बात करें इस वीडियो की इस वीडियो में भी दो शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे जो आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे गेन दे सकते हैं और देखिए है, जो हमारे शेयर है जो हमारी तरफ से आपको बताए जाते हैं वो और लेटर, ओके, वो और ओके भागते हुए दिखाई देते हैं आज की डेट में ही बात करें तो मार्केट गिरी हुई थी बट स्टिल अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे जितने भी शेयर थे जो मैंने आपको आ, कुछ टाइम पहले बताए थे वो सारे के सारे आ, भागते हुए दिखाई दिए थे अगर जैसे कि हम बात करें हिंदुस्तान एरोनोटिक की ओके आ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक मिनट हिंदुस्तान एरोनोटिक तो अगर ये शेयर देखिए अभी दो अभी तीन वीक पहले ही बनाया था ओके आज की डेट में बहुत बेहतरीन यहाँ पर गेंद देता हुआ नजर आ रहा है अगर हम बात करें यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए पर 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 आपके लिए लैब से रिलेटेड वीडियो बनाई थी टू वीक पहले यहाँ पर वो शेयर लगभग सवा सौ रुपए इसके अलावा बात करें यहाँ पर नजारा से रिलेटेड जब लोग डर रहे थे तब यहाँ पर आप खरीद नहीं रहे थे तीन दिन पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और आपको बताया ये शेयर खरीदने वाले है आपको डरने की जरूरत नहीं है ये शेयर आपको अच्छे खासे गेन देंगे तो इसी तरीके से आपके लिए मैं डेली कुछ ना कुछ शेयर चूज करके स्टडी करके यहाँ पर लाता रहता हूँ सो दैट आप अच्छे शेयरों में रहे पहली बात दूसरे शेयरों में अच्छे खासा आप गेंद कर सके इस तरीके की वीडियो आपको इसलिए डेली बेसिस पर मिलती रहेगी देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आ, तो मैंने आपके लिए अगर यहाँ पर देखे तो दो दिन पहले ही दो तीन दिन पहले एक और वीडियो बनाई थी एम जी एल से रिलेटेड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर देखिए दो दिन पहले ही बनाई थी एम जी एल से और यहाँ पर मैंने कहा था कि इंद्रप्रस्त गैस को बेच दो और इसे खरीद लो तो यहाँ पर जिसने वीडियो देखी होगी ओके उसे पता होगा कि मैंने इंद्रप्रद गैस को बेचने के लिए नहीं कहा था मैंने यहाँ पर कुछ उसमें कुछ शेयर मतलब कुछ बातें कही थी वो अगर आप किसी ने वीडियो देखी होगी तो वो समझ गया होगा और उसने रखा होगा शेयर तो आज की

यहाँ पर दिखाई देती है यहाँ पर सेल्स में एक लाख उन हजार करोड़ रुपए का यहाँ पर सॉरी एक लाख उन हजार करोड़ रुपए का सेल है नेट प्रॉफिट भी इसी तरीके का हाईस्ट एवर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर हाईएस्ट एवर है तो हाईएस्ट एवर जहाँ पर नंबर आ रहे हैं कंपनी यहाँ पर आपको परफॉर्म करके दिखा रही है तो ऐसे शेयर को जब जब मौका मिले तब तक पोजिशन ट्रेडिंग करनी है वो कर लीजिए अदरवाइज यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना है तो रख लीजिए इस शेयर में कोई डरने की जरूरत ही नहीं है डेट फ्री शेयर है सेल्स की बात करें तो यहाँ पर सेल्स देख लीजिए सेल्स यहाँ पर uh, year, दो हजार दस में दो लाख तीन हजार एक सौ चौहत्तर करोड़ की थी आज की डेट में चार लाख छियासठ हजार है तो अगर बात करें डबल होती हुई नजर आ रही है दस साल में जो कि काफी बड़ा फिगर है और यहाँ पर और भी बढ़ती हुई तो आगे आने वाले तीन चार साल में दिखाई देगा एंड हाई एस्ट लेवल नेट प्रॉफिट एंड ऑल है रिजर्व अच्छे खास है छह लाख छह लाख तिरपन करोड़ के तो रिजर्व से है बिलियंस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो पता चल जाएगी दो लाख सत्तर हजार की बोरइंग है कुछ भी बोरिंग नहीं है जिस हिसाब से इनके पास रिजर्व है जब चाहेंगे

प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं प्रमोटर्स कंटिन्यूटी के साथ अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पर पचास पचास पॉइंट हर एक क्वार्टर ऐसा क्वार्टर नहीं गया पर पर हिस्सेदारी ना बढ़ा रहे हो बात करें यहां पर इसी तरीके से एफ बढ़ा रहे हैं और इसी तरीके से डीआईस भी बढ़ाते थोड़े डीआईस थोड़े से कम कर रहे हैं बट अच्छी खासी होल्डिंग उनकी भी है और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास यहाँ पर कुछ भी शेयर नहीं है केवल दस और ग्यारह के शेयर है इसमें भी बड़े बड़े लोगों के पास होंगे रिटेल के पास नहीं होंगे इसके अलावा बोनस यहाँ पर कंपनी डिविडेंड देती हुई नजर आती है बोनस की बात करें यहाँ पर चार पांच बार बोनस दे दिया अभी 2017 में बोनस दिया था स्प्लिट की बात करें यहाँ पर कोई स्प्लिट नहीं है राइट इशू यहाँ पर बात करें दो बार राइट इशू आ चुका है और इस शेयर को बताने के पीछे रीजन क्या है तो इस शेयर को बताने के पीछे आ, यहाँ पर सिंपल सा रीजन है कि ये शेयर 50 डीएमए के आसपास आ गया है और जब भी कुछ ये शेयर 50 डीएमए के आसपास आता है ना तभी अपने आप घूम जाता है 200 हंड्रेड डीएमए के नीचे जाना बहुत रेयर हो जाता है इसका कोई कोई चांसेस हुए तब और 200 हंड्रेड डीएमए के आसपास आ जाता है तो भी यहाँ पर अच्छा खासा आप बाय ऑन डिप्स करके अच्छा खासा यहाँ पर शेयर लेके यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए रख सकते हैं और एक आध महीने में ये शेयर दोबारा भागता हुआ दिखाई दे सकता है इसके अलावा चार्ट पैटर्न की बात करें कि क्या चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है तो उससे रिलेटेड भी बातें कर लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं चार्ट पैटर्न क्या बनता हुआ नजर आ रहा है किस तरीके से गेंद आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी काफी बार हमने बातें करी है

एल्पो की डील या दो तीन डील है ये होती हुई नजर आएगी तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आ सकता है आपको फ्यूचर में तो इस शेयर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए और काफी बेहतरीन पर लॉन्ग टर्म के व्यू से और पोजिशनल ट्रेडिंग भी करनी है तो पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करूँ ये शेयर बार बार दो के रेंज में आता है और उसके बाद यहाँ पर घूमता हुआ नजर आता है और अच्छा खासा गेंद देता हुआ नजर आता है तो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं बाकी इसके देखिए टारगेट के हिसाब से अगर बात करें तो पच्चीस का लेवल नजर आ रहा है जो की इस साल के लास्ट तक एटलीस्ट पर अचीव कर लेना चाहिए क्योंकि आर की डील यहाँ पर आ गया है इसके अलावा बात करते हैं दूसरे शेयर की तो दूसरा शेयर अगर हम बात करें तो यहाँ पर चोला फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पर ये शेयर है तो अगर हम बात करें चोला मंडो फाइनेंस एक मिनट तो ये शेयर है चोला चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी तो ये शेयर ये कंपनी भी जिस हिसाब से चल रही है काफी बेहतरीन कंपनी है आ, काफी बेहतरीन यहां पर रिटर्न्स दिए हैं अगर बात करें मिड कैप कंपनी है बयालीस हजार पांच सौ पैंसठ अड़सठ करोड़ रुपए की यहां पर ये कंपनी नजर आती है ओके डेट यहाँ पर माइंड नहीं रखेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड ये कंपनी है एज वेल एज यहाँ पर बात करें यहाँ पर इस कंपनी की तो रेवेन्यू देख लीजिए रेवेन्यू कंटिन्यूटी इसके साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले दो तीन क्वार्टर में हाइस्ट लेवन यहाँ पर रेवेन्यू है

जो कि पब्लिक से लेते जा रहे हैं और खुद यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाते जा रही है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा और अगर हम बात करें तो चोला फाइनेंस की तो सेम अगर सेम चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे भी क्यों क्या कि ये शेयर यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है और जब भी मैं आपको बताता हूँ कि शेयर करेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जब शेयर करेक्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पर शेयर उठाने होते हैं सोलह परसेंट यहाँ पर शेयर गिर चुका है तो एक ई एम आई बात करते हैं एक एस के लिए एस आई पर कर सकते हैं एक जैसे ई देते हो ना आप एक एक करके डालते हो पैसे तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक एक इस थोड़ा थोड़ा पैसा जो आपके पास है वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर लगा सकते हो यहाँ पर भी अच्छे खासे गेन शॉर्ट टर्म में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं बाकी यहाँ पर भी चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक फिर यहाँ पर दो और यहाँ पर दोबारा यहाँ पर अच्छा यहाँ पर भी इसी तरीके से मतलब बात करें रिवर्स एड एंड शोल्डर टाइप ताए, से यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है छोटा सा ही है बट ज्यादा बड़ा नहीं है बट फिर भी अगर हम देखें तो अच्छा खासा देखिए पंद्रह परसेंट का गेन तो यही है जो इसका इस टाइम का ऑल टाइम हाई लगाया था या फिफ्टी टू वीक हाई लगाया था कुछ भी कर लीजिए फिर उसके बाद जो टारगेट नजर आता है उसका भी जो अगर हम देखें तो लगभग लगभग लग लग छह सौ बहत्तर नजर आता है और शेयर चल रहा है पाँच सौ रुपए के आसपास और थोड़ा करेक्ट होता है तो बाय डिप्स करके खरीद सकते हैं वॉल्यूम अच्छे खासे है यहाँ पर कोई डरने की जरूरत नहीं है शेयर और जितना नीचे जाता है बाय डिप्स कर सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रही है यहाँ पर अगर जो कि हम ऑलरेडी देख सकते देख चुके हैं कि किस तरीके से पचपन करोड़